मैं विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक सोथी स्टोर का संचालक हूं। आज हमारे साथ राजू भाई हैं जो श्री शिवम गिर गौशाला है। राजकोट रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी है और 17 से 18 साल हो चुका है इस गौशाला की स्थापना किए हुए। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य जब इस गौशाला में हुआ तो मेरा आगमन भी हो गया है। राजू जी, हमारे यूट्यूब चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। आप मुझे अपनी गौशाला के बारे में बताइए, श्री शिवम गिर गौशाला आपने नाम इसका क्यों रखा हुआ है? ये हमारी पुराना जो बिजनेस चल रहा है वो सब हमारा शिवम नाम से ही है। अच्छा, जो भी बिजनेस चल रहा है तो हमारा गौशाला का नाम भी श्री शिवम गिर गौशाला ही रखा हुआ है। और कितनी गिर गौ माता है आपके यहाँ? छोटे बड़े सब मिला के 60-65 है। 60-65 है। अच्छा, आप ये ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं क्या? ब्रीडिंग पे ही। अच्छा, इस गौशाला की मुख्य बात यही है कि वो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं 17-18 साल से। तो मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहूंगा, राजू भाई जो है वो एक व्यक्तिगत रूप से गौ माता के प्रति उनका भाव भी बहुत अच्छा है, वो गायों से बहुत उनका लगाव है। तो जितने भी उनके बिजनेस व्यापार चलते हैं वो शिवम के नाम से चलता है, तो उसी नाम से इनकी गौशाला भी है। अच्छा, इसके गौशाला में आपके देख रेख करने के लिए जो लेबर भाई ग्वाले भाई है वो कितने हैं टोटल संख्या? अभी सब परिवार ही है मेरे साथ। अच्छा, सब मिला के 5 आदमी है। 5 आदमी है। और सुबह शाम ये दूध दोहन का जो कार्य होता है वो समय क्या है? सुबह दोपहर में 4-4:30 बजे और सुबह भी 4-4:30 बजे। वो 1-1.5 घंटे में आपका फिनिश हो जाता है। तो वो दूध का रेट आपने क्या रखा है जो यहाँ पे आप दे रहे हैं? अभी 80 रुपया लीटर जाता है। 80 रुपया लीटर है गिर गौ माता का दूध है। वो पाउच में है या बोतल में पैकिंग है? पैकिंग में, पाउच में और बोतल में। जो बोतल में होता है 90 रुपये में जाता है और पैकिंग में है वो 80 रुपये में जाता है। तो बोतल वाली पैकिंग 90 की है, 90 रुपये लीटर, और पाउच की जो पैकिंग है वो 80 रुपये लीटर है। घी भी आप देते हैं क्या? नहीं, घी हम नहीं बनाते हैं। अच्छा, राजू भाई मुझे ये बताइए, आपकी गौशाला में जो बछड़ियां हैं और बछड़े हैं उनकी संख्या कितनी है? 20 के आसपास बछड़ियां है और 4 के आसपास बछड़े हैं। 4 के आसपास जी। उसमें लाखनिया बुल का भी है और भुवनेश्वरी लाइन के शैलेश का भी है। और अच्छा, भुवनेश्वरी लाइन की भी है। उसका बाप मैंने यूज किया था, शैलेश वो है। और ये हमारे गजानंद बुल का है बछड़ा। गजानंद बुल? हाँ। वो गजानंद बुल कहाँ के हैं? अभी ये हमारे ब्रीड का ही है, आपने बड़ा किया हुआ है। तो आपके यहाँ पे बुल जो नंदी महाराज है वो टोटल संख्या कितनी है? अभी तो मेरे पास 2 है, एक का नाम सागर है। दोनों की उम्र कितनी है? सागर का 9 साल के आसपास है और गजानंद 5 साल के आसपास का। तो दोनों से बच्चे कितने प्राप्त हुए हैं? वो सागर का तो अभी नहीं आया हुआ, सागर तो मैंने अभी लाया हुआ हूँ। कहाँ? और गजानंद का तो 10-12 बछड़ा आ गया है। 10-12 बछड़ा। अच्छा, मतलब अच्छा। बछड़ा बछड़िया दोनों मिला, दोनों मिलाकर। तो इस तरह से माहौल में आप अगर आएंगे तो देखिए, आपको इनके पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही आपके पास आ जाएंगे। इसको वो गल कंबल बोलते हैं। ये जरा कैमरे में थोड़ा सा दिखाइए, ये गिर गाय की पहचान जो है देसी गाय की वो होती है ये गल कंबल, इसको गल कंबल बोलते हैं। अच्छा, ये राजू भाई थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, गल कंबल से गायों को क्या मतलब होता है, आराम कुछ मिलता है क्या इसकी वजह से? नहीं, ये उसकी गिर की ही पहचान है, उसका गल कंबल बड़ा, सिर बड़ा, सिर बड़ा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ पे जो गिर गाय हैं उनकी सिर्फ संख्या बताइए कितनी है? सब बड़ी मिला के मेरे पास अभी 35 गाय के आसपास है। 35 गाय? हाँ। और वो उड़ की 20 के करीब है। 20 के करीब क्या है? बोर्ड की, मतलब जो प्रेग्नेंट होने का टाइम वाली है। हाँ। तो इसमें से प्रेग्नेंट हो गई वो 20 के करीब। तो मुझे ये बताइए, वो गौ माता का नाम जो सुबह शाम जो उनका दूध निकालते हैं आप, तो सबसे ज्यादा टोटल मिल्क ज्यादा हाई रिकॉर्ड वाली गाय माता का नाम क्या है इधर? हेल है, हेल करके एक गाय है। अच्छा, और दूसरी गाय है दिव्या करके है। दिव्या करके? हाँ, वो एक दमू है। तो सुबह शाम का मिला के टोटल कितना मिलता है उनसे प्राप्त दूध? एक टाइम का 13 लीटर के आसपास है, एक 12 लीटर वाली है। मतलब ये कह लीजिए कि 13 लीटर 12 लीटर। मैं अब 20 के ऊपर है जी। अभी ये जो यहाँ पे आप बुल लाए हैं इनका नाम क्या है? इसका नाम सागर है। सागर, सागर को एक बार वीडियो में आप दिखाइए, पास से जाके सागर को दिखाइए वीडियो में आप एक बार। ये जो सागर बुल हैं इनके बारे में, ये है सागर बुल। बाकी मैं वीडियो में एक बार बच्चों को भी मैं अभी बात करे, मैं हाँ, मैं हाँ, काटो भाई, दारूण गाड़ी
ये कोई मजा ना आवे हम जी क्या कारण की हमारा हा ये करवा के वो देखिए खेलते हुए और काफी अच्छा माहौल है यहाँ पर। अब तुम्हारे पर मारे ना नहीं, बहुत ही ज्यादा फुर्तीले बच्चे हैं यहाँ पर। तो गौ माता का जो दूध पीता है उसका दिमाग का विकास बहुत तेजी से होता है और बहुत तेज चलता है। और वो आप ये भी देखेंगे कि उनके शरीर में भी फुर्तीलापन रहता है जो लोग गिर गाय का दूध पीते हैं। ये कहीं नहीं आवे, ये कुर्चे झूले वही जावे के कुतरा समझ पानी आवे। सुनिश्चित राजू भाई, आपकी गौशाला में जो ये चारा, हरा चारा, सूखा चारा जो भी होता है, तो आप ये कहीं बाहर से खरीदते हैं या खुद उगाते हैं? खुद ही उगाते हैं। वो जैविक तरीके से उगाते हैं? जैविक तरीके, यूरिया वाला कुछ नहीं होता? नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब कीटनाशक, पेस्टिसाइड और कुछ नहीं याद करते, यूज करते। और जो भी कम पड़ता है कहीं, इतना गायों में तो नहीं घर का होता, तो भी लाते हैं, तो ऑर्गेनिक मतलब वो ढूंढ के ही लाते हैं जी। जो नहीं आ भाई, ये जो बुल है इनका नाम क्या है? इसका नाम गजानंद है। इसी घर का ही बछड़ा? हाँ, घर का ही बछड़ा। बहुत ही विशाल का है ये। आप कहाँ से लेके आए हैं? नहीं, घर का ही है, मतलब इसका बाप था वो, मैं बाहर से लाया हुआ हूँ। अच्छा जी, इसका नाम गजानंद है। गजानंद, हाँ, उसका रिजल्ट भी आ गया है, 5-6 बछड़े भी आ गए है। बस गजो, बस गजानंद। नहीं, 2.5 साल, 5-5.5 साल के ये गजानन बोल महाराज जी हैं, श्री श्रीगम गिर गौशाला। ये आपकी जो गौशाला है राजू भाई, एक बार मैं फिर से आपको वीडियो में आमंत्रित करता हूँ। ये बताइए गांव का नाम क्या है? पार्टी गांव है। अच्छा, ये राजकोट रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पे है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर गोंडल हाईवे पे, राजकोट गोंडल हाईवे, राजकोट गोंडल हाईवे पे ही है। और ये गौशाला कितनी पुरानी है? 17-18 साल हो गया। 17-18 साल। तो जो यहाँ पे आपने बताया 5-6 यहाँ पे लेबर लोग हैं जो आपकी गौशाला में गायों की सेवा कर रहे हैं जी। और 2 बुल हैं जी। तो संख्या पूरी टोटल सब मिला के 60-65 के आसपास है सब मिला। और आपके ये स्वर्ण कपिला भी गाय है, इसके बारे में थोड़ा सा? स्वर्ण कपिला ही हमारे यहाँ की है। अच्छा, और पुरानी नस्ल में से वो साइला लाल दास बाबू की जगह है ना, उस नस्ल में से ही आती है वो। हरा चारा खाते हुए सारी गौ माता एक अभी तो ये ड्राई पीरियड में है, ये भी 13 लीटर वाली मिल्क वाली गाय है। नमो, बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ पे सारी गौ माता का। ओ, गौ माता का नाम क्या है? धर्मा। धर्मा, धर्मा, क्या बात है, ये देखिए क्या गजब अदर क्वालिटी है। ये इसकी मिल्किंग कैपेसिटी क्या है? इसकी 11 लीटर मिल्किंग कैपेसिटी है। ये एक टाइम का, दो टाइम का? दो, एक टाइम का। तो ये 20 के ऊपर है, 22 लीटर। हाँ, ये सारा जो गौ माता आप लेके आए हैं, मुझे आप बताइए कि कहाँ से, किस जगह से लेके आए? क्या मेरे पास तो पुरानी 6 गाय की ही ब्लड लाइन है। तो पुरानी 6 गाय आप कहाँ से लाए थे? एक जलाराम बापू वीरपुर, हाँ, जलाराम लाल दास बापू की जगह पे, एक चारोड़ी ब्लड लाइन की है, एक गोंडल अक्षर मंदिर की लाइन की है, और एक हमारे यहाँ दवा पप्पू है कुवाड़वा, और एक भुवनेश्वरी से भी बता रहे थे। भुवनेश्वरी की भी एक थी, नहीं उसका मैंने बुल यूज किया हुआ, शैलेश। अच्छा, शैलेश का मेरे पास बछड़ी बछड़ा दोनों हुआ, अभी उसमें से 6-7 गाय प्रेग्नेंट भी है। तो जैसा मुझे पता लगा कि आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं जी, तो अगर किसी को यहाँ से गाय लेना हो, बछिया बछड़ी लेना हो या नंदी लेना हो जी, तो मैं फिर आपका संपर्क सूत्र दे सकता हूँ? हाँ, दे सकते हो। एक बार आप इसी वीडियो में अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 94 अपना नाम बता के। मेरा नाम है राजेश भाई सुजीतरा। बताइए जी। मेरा नाम राजू भाई सुजीतरा है। मेरा गांव पार्डी है, तालुका लोधी का, जिलो राजकोट, राजकोट से 15 किलोमीटर गोंडल राजकोट हाईवे पे। मेरा नंबर है 94-87-92-5-88, 9427894 92
588। तो एक बार फिर से नंबर वो 94 के नाम से ऐसे बताइए। 9427892588। तो ये है हमारे राजू भाई का संपर्क सूत्र। जब आप गिर गाय का यहाँ पे खरीद करना चाहते हैं, या बछिया बछड़ी या नंदी जो भी है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। अभी जैसे इनके बारे में कुछ बताइए। ये हमारे पुराना बुल लाखनिया था, वो लाखनिया की बच्ची है। अच्छा, इनका नाम क्या रखा आपने? इसका नाम महेश्वरी है। महेश्वरी? महेश्वरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये सब मतलब ये लाखनिया बुल की है। अभी दूसरी दिखाता हूँ मैं, ये भी लाखनिया बुल की है। दूसरी वाड़ी पे थी, लाखनिया बुल की है। लाखनिया बुल जी। ये जो आप, मैंने बहुत देखा गायों के ये जो व्हाइट कलर सा पट्टा पहनाते हैं आप लोग जी, तो ये इसके पीछे क्या मतलब कुछ उद्देश्य होता है? नहीं, वो शौक से, मतलब वो दिखने में अच्छी रहती है, हाँ, पकड़ने में अच्छी रहती है इसलिए। और ये देखने में भी थोड़ा सा उनके गले में अच्छा लगता है। ये मैंने बहुत जगह देखा है गौशालाओं में, और उसका दूसरा कुछ रीजन है ही नहीं। तो राजू भाई आप बताइए, आप की ये जो गौशाला है आपने बताया कि कितनी पुरानी है? 17-18 साल हो गया। तो अभी आप यहाँ पे आपका जो सेवा चल रहा है वो कितने साल से चल रहा है? यहाँ मैंने शिफ्ट किया, पहले मेरे होटल पे ही थी। पीछे मैं कस्टमर को मतलब शुद्ध दूध की छाछ मिले इसलिए मैंने गाय रखी हुई थी। अच्छा, तो हमारे जैसे लोग, जैसे अभी हम आए हैं, थोड़ा सा आपका दूध जो गौ माता का टेस्ट करना चाहते हैं वो जी। तो हमें थोड़ा सा टेस्ट भी करवाइए। हाँ, मिलेगा। तो ब्रीडिंग का है मेन, और दूध आप देते हैं। दूध कितने रुपए लीटर है? 80-90 रुपया दोनों ही है। मतलब जो बोतल पैकिंग में जाता है उसका 90 रुपया रेट है, प्लास्टिक में मतलब कोथड़ी में जाता है उसका 80 रुपया रेट है। आइए, हाई मिल्किंग क्वालिटी वाली मैं गोमाता आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए पहले इनकी अर्डर क्वालिटी को देखिए। नहीं, मैं वो गोबर में भी दोता हूँ, मेरे को भी दूध निकालना आता है। ये होता है। इनका गोमाता का नाम क्या है राजू भाई? इसका नाम डेल है। अच्छा, और ये साइला की नस्ल की गाय है, मतलब लालदास बापू जग्गिया की, उसी ब्लड लाइन की ये गाय है। नहीं आएगी, सब साथ में है ना, इसलिए। राजू भाई आप बताइए, जैसे कोई गिर गाय की गौशाला ओपन करना चाहता है, खोलना चाहता है, तो उसको आप क्या दे सकते हैं राय की उसको कैसे शुरुआत करना चाहिए, कितने गायों से शुरुआत करना चाहिए? 10-15 गाय से ही स्टार्ट करनी चाहिए, एक साथ जास्ते नहीं गाय चाहनी। और जो भी मतलब 15 से रखना चाहता है वो 10-12 ही रखे, लेकिन क्वालिटी में अच्छी, मिल्किंग में अच्छी, वही परचेज करे। राजू भाई मुझे ये बताइए, सबसे पहले वो जो गजानन और सागर आपके यहाँ पे जो बुल है जी, वो क्या उनकी क्वालिटी क्या है? मतलब इन द सेंस की, मतलब उनको आपने कितने रुपए में लिया था, कहाँ से लिया था? नहीं, ये जो गजानन है मैंने घर के ही खुद का ही गाय का बछड़ा यूज किया हुआ है, मतलब यहाँ ही मैंने तैयार किया हुआ है। उसका माँ मदर थी वो हमारे यहाँ हरजी भाई करके, उसका पास एक बुल था मूर्ति, अभी तो राजस्थान है, इसकी माँ वो मूर्ति की बछड़ी थी। और सागर है वो पाड़वा लाइन, और इसका दोनों कब्बा एक ही है, गजानन जो बीके भाई आहिर और चारोड़ी गुलगुल का था। भाई आपका जो 90-80 रुपए जो लीटर है कांच के बोतल और पाउच का जी पैकेजिंग, मुझे ये बताइए कि वो दूध कहाँ कहाँ डिलीवर होता है? लोग लेने आते हैं या डिलीवर करते हैं? डिलीवर में तो यहाँ से ही ग्राहक कोई ले जाता है, मतलब गौशाला पे आके ही, तो पहले से हमारा गुरु पुराना कस्टमर है, 15-20 कस्टमर, बाकी का जो बचता है वो सब राजकोट में मतलब चला जाता है। डिलीवरी बॉय रखा हुआ है, वो सब लाके वो डिलीवरी। तो कुल मिला के आपका ब्रीडिंग का और दूध का काम है जी, मतलब आधा आधा मिल्क निकालते हैं, 2 थन का दूध निकालते हैं, 2 थन बछड़े को पिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। सभी का सोच ऐसा हो जाए तो हमें फिर आगे भविष्य में वो जो बच्चा बछड़ा है या बछड़िया है वो आगे जाके अच्छा नंदी या बैल बन सकता है, या 2 थन दूध पिलाएंगे तो ही वो मतलब टाइम से हिट में आएगी, वो प्रेग्नेंट होगी तो ही रहेगा, वरना तो 3-4 साल तक पूरा दूध नहीं पिएगी तो 3 साल के बाद भी वो प्रेग्नेंट होगी, तो 1 साल का वो एक बच्चे का तो घाटा ही रहेगा ही। नहीं नहीं, कौन सा? सारे यहाँ पे गिर गौ माता यहाँ पे हरा चारा खाते हुए और धूप का सेवन करती हुई, ये कौन सी? ये तो आप देख सकते हैं एक एक करके यहाँ पे। नहीं, अभी वो प्रेग्नेंट है। ओ, ओ, ये, ये जो ये वो सामने वाली है वो लाखनिया बुल की है। नहीं, ये वाली, ये काली वाली मेरे पास पुरानी एक थी।
राजू भाई, आप ये जो खीरो है, जो खीस बोलते हैं, गाय जब बच्चा देती है तो 3 दिन तक उसका दूध बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, बहुत असरदारक होता है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल बढ़ सकती है अगर उस दूध को हम पीते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए। जो ये खीरो है वो सब निकालते हैं तो सबसे तो उसमें मतलब कैल्शियम मतलब सबसे अच्छा वो मिल होता है मतलब खीरो, तो सबसे अच्छा तो जो दम वाले पेशेंट होते हैं उसको सबसे ज्यादा वो यूज आता है, मतलब वो दवाई है औषधि औषधि है हाँ औषधि। और हमारे तो यहाँ क्या है, गौशाला में तो जो मिल्क लेने आता है वो सब एडवांस बुकिंग रखते हैं कि इस बार गाय बछड़ा दे तो हमको ये खीरो देना, हमको ये मिल्क देना, तो वो सब वो ले जाते हैं, मतलब उसको खीरो बोलते हैं आपके यहाँ पे। खीरो बोलते हैं हमारे यहाँ गुजराती में, तो वो खीरो ही बोलते हैं। जो भाई जो लोग गाय का काम करना चाहते हैं, गौशाला खोलना चाहते हैं, अपने पर्सनल घर में पालना चाहते हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि वो प्रोसीजर क्या है और उनको कितने गौ माता से शुरुआत करनी चाहिए, उसमें कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या ये फायदे का क्या है, कुछ इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो इसमें कुछ गौ पालन करने में कुछ दिक्कत तो है ही नहीं जी, मतलब जो परचेस करने वाला है उसमें गाय अच्छी क्वालिटी की मतलब अच्छी लाइन की मतलब ब्रीडिंग तो है ही, और अच्छी क्वालिटी की अच्छा दूध देने वाली मतलब 8-9 लीटर 10 लीटर देने वाली गाय होगी और तो शुरुआत घाटा नहीं जाएगा। और शुरुआत कितनी गौ माता से करनी चाहिए? तो उसकी उनकी कैपेसिटी से कर सकते हैं, 3 गाय से लेके 10-15 गाय जो भी मतलब वो रख रखाव कर सके उतना वो कर सकते हैं। और आपके यहाँ पे जो गाय बीमार हो जाती है उसके लिए डॉक्टर की टीम है क्या? नहीं, डॉक्टर की टीम भी है और हमारा भी इतना एक्सपीरियंस हो गया कि साथ में रह के पता चल जाता है कि इसको ये बीमारी आई हुई है, तो एडवांस में भी मतलब हम कोई औषधिया या ऐसी जरूरत पड़े तो इंजेक्शन भी लगवा के मतलब ठीक करते हैं, और जरूरत पड़े तो डॉक्टर को भी बुला लेते हैं जी। राजू भाई, जो बहुत लोगों की धारणा यह है कि जैसे गौ माता दूध देती है बच्चा पैदा करने के बाद, वो 9 महीने देती है, फिर धीरे धीरे वो कम होते जाता है महीनों का महीना दूध का, तो इस बात से आप कितना सहमत हो, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी ऐसा होता है, बच्चा जब गाय बच्चा देती है तब उसके जो हाई कैपेसिटी मिल्किंग है वो तो देती ही है, मतलब वो मिल्क उसका लंबे टाइम टिकना रहता है, वही गाय अच्छी है, मतलब प्रेग्नेंट हो गई मान लो कि 2-3 महीने में प्रेग्नेंट हो गई, अच्छी हेल्दी होगी तो 1.5 महीने में भी हो जाती है, और हेल्थ कम होगा मतलब वो दुबली पतली हो गई, साल संभाल कम होगा तो लॉन्ग टाइम 5-6 महीने में भी प्रेग्नेंट होती है, तो एक गाय अगर वो घाटा रहता है। तो एक गाय जैसे अगर बछिया पैदा करती है जी या बछड़ा जी, तो बछिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसको बछिया को गाय बनने में कितना समय लग जाता है? 2 थन मिल्क पिलाओ उसको हर दिन 2 थन, जब तक वो गाय दूध मिल्क देगी तब तक वो आपको उसको दूध पिलाओगे तो 2.5 साल के आसपास वो मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है।